हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्फो में आपका स्वागत है। हम लोग कल के मार्केट का प्रिडिक्शन करेंगे कि कल मार्केट किस टाइप से बिहेव करने वाली है। देखिए गाइस, मार्केट का जो क्लोजिंग हुई है इस जोन में हुई है, तो यहाँ से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो रही है। देखिए, अगर मार्केट साइडवेज हो रही है तो यहाँ से ट्रेडिंग का कोई प्लान नहीं होगा गाइस, या तो नीचे की ओर निकलना होगा या तो फिर ऊपर की ओर निकलना होगा। ध्यान देना होगा कि अगर मार्केट 18,140 के ऊपर निकल रही है तभी हम लोग यहां से एक कॉल का प्लान करेंगे, और टारगेट 18,200 के आसपास का सेट करके रखेंगे। यहां से हो सकती है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो मार्केट को यहां से नीचे की ओर निकाल सकती है। अदरवाइज अगर इसे निकाल लेती है, 18,200 को भी निकाल लेती है, तो 18,224 का टारगेट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके ऊपर मार्केट बहुत ही मुश्किल है कि जाएगी। और नीचे का देखिएगा ध्यान कि नीचे अगर मार्केट जा रही है 18,070 के नीचे अगर मार्केट जा रही है तो मार्केट देखिए ओपनिंग का ये गैप फिल करने के लिए आएगी। इसे देखिए आज का लो बनाया है इसने मार्केट ने, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर गई थी। अगर इसे ब्रेक करके मार्केट आ जाती है नीचे तो ये गैप को फिल करने आएगी। अगर इस गैप को फिल करेगी तो फिर मार्केट 18,000 के आसपास आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ से 18,070 के नीचे आएगी तो हम लोग यहाँ से पुट का प्लान करेंगे गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में इस जोन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हो सके तो यहाँ सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे 10 और 20 पॉइंट्स के लिए, उससे ज्यादा का स्कैल्पिंग का चांसेस यहाँ भी नहीं है। अगर नीचे 42,736 के नीचे अगर मार्केट जा रही है तो हम लोग यहाँ से एक पुट का प्लान करेंगे, और जो कि टारगेट होगा 42,500। क्योंकि अगर इसे ब्रेक कर जाती है ना मार्केट, ये जो लो है इसे ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट गैप फिल करने के लिए आएगी, और यहाँ से मार्केट 42,500 के नीचे आ सकती है। अगर इसके नीचे अगर कंटिन्यू करेगी तो पैनिक सेलिंग आएगी और ये मार्केट और भी नीचे जाते हुए दिख सकती है। ऊपर देखिए, ऊपर का प्लान हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट 42,900 के जोन को क्रॉस कर रही है। अगर 42,900 के जोन को क्रॉस कर जाती है मार्केट तो फिर यहां से 43,000 और 43,000 को अगर ब्रेक कर गई तो फिर 43,123 के आसपास मार्केट आते हुए दिख सकती है। तो ये गाइज, ये जो जोन है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो अगर 43,000 के ऊपर अगर जा रही है, सस्टेन कर रही है, तभी हम लोग 43,123 के लिए वेट करेंगे। अदरवाइज 43,000 में ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए गाइज, अभी जो बजट का सीनेरियो है इस हिसाब से मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आएगी नहीं। हो सके तो जितना मिनिमम प्रॉफिट मिल रही है उस प्रॉफिट को बुक करना होगा। गाइज, सुबह में हम लोगों ने यहां से ट्रेड किया था और यहां से ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न किया था। मार्केट आज जब नीचे गई है ना, तो प्राइस का मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि देखिए ट्रेंड के रिवर्सल अगर हम लोग प्लान करते हैं तो ट्रेंड के रिवर्सल प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ते हैं गाइस। इसीलिए मैं बार-बार सबको बोल रहा था कि पुट की ओर ज्यादा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे गाइस, क्योंकि मार्केट बुलिश है और मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम जो पुट के होंगे वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते हैं गाइस। तो उस कंडीशन को हम लोग अवॉइड करते हैं, और अगर ट्रेंड के साथ चलते हैं तो प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ते हैं गाइस। ध्यान रखिएगा 42,736 का देखिएगा, अगर 42,736 के नीचे आ रही है तो पुट का प्लान करेंगे, अदरवाइज 42,900 के ऊपर हम लोग यहाँ से कॉल मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।